नाम शाहिन खान है, मैं डेली डिलाइट क्लॉथ सेक्शन में काम करती हूँ। मैं CCA हूँ, कस्टमर केयर एजुकेटिव हूँ। ये लोग मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आए हैं, तो इनको मुझे बताना है कि यहाँ पे मैं क्या करती हूँ। हमारे क्लॉथ सेक्शन में आप जैसे एंट्री करते हैं वहाँ पे रेडी सेक्शन है, इसके राइट साइड में ही स्टेशनरी सेक्शन है, और आप जब आगे आते हैं तो जेंट्स सेक्शन मिलता है आपको राइट साइड में। फिर हम गिफ्ट सेक्शन में अभी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो पूरा गिफ्ट सेक्शन है। हमारे यहाँ पे बच्चों के सारे एज के कपड़े मिलते हैं, 0 मंथ से स्टार्टिंग होती है और 15 मतलब कि 15 ईयर्स तक के बच्चे को कपड़े मिलते हैं। हमारे सेक्शन में हर चीज़ है, आप जैसे देख सकते हो कि स्लीपर्स भी मिलेंगे आपको, फुटवेयर जेंट्स के भी फुटवेयर मिलेंगे, लेडीज के भी फुटवेयर मिलेंगे। बच्चों के सारे कपड़े रखते हैं, हम इनको साइड वाइज डिस्प्ले करते हैं ताकि कस्टमर को ईजी रहे हमें ले। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो हमने प्लाजो को हैंग किया हुआ है, हम फोल्ड भी कर सकते हैं बट इसकी जो डिज़ाइन है इसका जो लुक है इसलिए हम इनको हैंग करके लगाते हैं ताकि कस्टमर को देखने में अच्छा लगे। अब आगे चलेंगे तो मैम, जैसे अगर ये कस्टमर्स को जब बच्चे डील करेंगे तो क्या क्या चीज़ें इन्होंने ध्यान में रखनी है? जैसे कि कस्टमर पूछते हैं कि हमें क्लॉथ किड्स के कपड़े चाहिए, तो उनसे आप सबसे पहले पूछेंगे कि आपको किस एज के कपड़े चाहिए, तो वो एज बताते हैं। 0 मंथ के बताएंगे तो इनको बताना पड़ेगा, उस पर साइज मेंशन होता है, हमारा टैग लगा रहता है प्राइस का, वो सारी चीज़ें बतानी होती है। तो जैसे ये शॉर्ट्स रखे हैं अपन, तो ये इस शॉर्ट्स के ऊपर हमारा टैग तो है ही, सेंसर भी है और इस पर एज भी लिखी रहती है अंदर की साइड पर। तो एज क्या होगी, इससे इजी होता है कस्टमर को बताने के लिए कि हमने इस एज का कपड़ा देना है, तो उसको बताने के लिए इजी होता है। जैसे आप देख सकते हो इस पर पहले से ही कंपनी ने एज दे रखी है 3 to 4 ईयर, और अगर वो कहते कि मेरा बच्चा हेल्दी है, ये आजकल क्या होता है जनरेशन थोड़ा किड्स के अकॉर्डिंग, जैसे ये साइज देख रहे हो आप 3 to 4 ईयर्स के बच्चे को नहीं आएगा, ये छोटा पड़ेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको बता सकते हो कि मैम आपका बच्चा अगर ज़्यादा हेल्दी है, थोड़ा ठीक है हेल्दी में, तो आप उसको बड़ा साइज दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन जैसे कि कॉटन होता है वॉश हो जाता है, वॉश होने के बाद श्रिंक होता है थोड़ा, तो श्रिंक होने से क्या होता है वो छोटा साइज हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जैसे डिस्प्ले जो लगा रखी है एक्चुअली ताकि देखने में अच्छा लगे। पीछे के सेक्शन में अगर आप आते हो एज के जो ऊपर लगा हुआ है ये बोर्ड लगे हुए हैं, आप बता सकते हो कस्टमर को कि 0 से 24 मंथ।